गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम रिवीजन वर्कशीट करेंगे। सबसे पहले इंग्लिश में काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन कितनी तरह की होती है। प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किस कोई भी पर्टिकुलर पर्सन हो, प्लेस हो या एनिमल हो, थिंग हो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, रवि, ताजमहल, एलिफेंट, फैन, एट्सेट्रा। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन्स आर द जनरल नेम्स यूज टू रेफर टू पीपल, प्लेस और थिंग। जैसे आम लोगों के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे बेबी, कोई भी बेबी हो सकता है, गर्ल, कोई भी लड़की हो सकती है, मैन, कोई भी आदमी, डे, मंथ। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन्स आर द नाउन्स दैट रेफर टू ए ग्रुप ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड। कोई भी पर्टिकुलर काइंड हो, उसकी ग्रुप को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का समूह। ए ट्रूप ऑफ मंकीज, बंदरों का समूह। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स रेफर टू थिंग्स वी कैन नॉट हियर, सी और टच, बट ओनली फील। मतलब फीलिंग्स के लिए यूज़ होता है ये, जिसको हम ना टच कर सकते हैं ना छू सकते हैं। जैसे चाइल्डहुड यानी बचपन, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, फ्रेंडशिप दोस्ती, पेशेंस धैर्य या धीरज। तो ये क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट, ईवीएस में टिक द करेक्ट ऑप्शन। इट ऑब्जर्व वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोयल। सोयल से कौन ऑब्जर्व करता है, वाटर, स्टेम, ब्रांच या रूट। रूट, दीज रूट्स ग्रो फ्रॉम द ब्रांचेज डाउनवर्ड इन टू द सॉयल, एरियल रूट्स। इट इज़ ए पैरासिटिक प्लांट। नीम, रोज या ऑर्चिड, ऑर्चिड। प्लांट्स लाइक वीट, ग्रास एट्सेट्रा हैव ये क्या है, फाइबरस रूट। इट इज़ ए वाटर प्लांट। इनमें से वाटर प्लांट कौन सा है, जो पानी में होता है, नीम, बानियान या वाटर लीली, वाटर लीली। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। जिसका कोई आधार नहीं होता, आधारहीन। उच्च कुल में जन्मा, कुलीन। जो श्रम करता है, परिश्रमी। पीछे चलने वाला, अनुयायी। जिसकी उपमा ना हो, अनुपम। जो मीठा बोलता हो, मृदुभाषी। वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक। महीने में एक बार होने वाला, मासिक। नेक्स्ट, मैथ में वर्ड प्रॉब्लम करनी है आपको। एट आइटम्स कैन बी पैक्ड इन ए बॉक्स। एक बॉक्स में आठ आइटम पैक किए जा सकते हैं। हाउ मैनी सच बॉक्सेज आर नीडेड टू पैक 6542। इतने आइटम को पैक करने के लिए कितने बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये आपको निकालना है। सबसे पहले, वन बॉक्स कंटेंस, एक बॉक्स में कितने आइटम होते हैं, एट। और हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ बॉक्सेस। जो हमें निकालना है वो लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस कंटेंस 6542 आइटम्स। तो इतने आइटम को कितने बॉक्स कंटेन करेंगे, तो क्या करेंगे, 6542 मल्टीप्लाई 8। 6542 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये आपको करनी है मल्टीप्लाई। ए लॉरी कैन कैरी, एक लॉरी है जो गाड़ी होती है सामान ढोने वाली, डैश बैग्स ऑफ सीमेंट इन वन राउंड। सीमेंट के इतने बैग को एक राउंड में ढोती है। हाउ मैनी बैग्स कैन इट ट्रांसपोर्ट इन 22 राउंड। तो 22 राउंड में वो कितने बैग ढोएगी, वो आपको निकालना है। तो कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ बैग्स लॉरी कैरी इन वन राउंड। एक राउंड में कितने करती है, वो ढोती है 9275 बैग्स। और हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ बैग्स लॉरी कैरी इन 22 राउंड। तो 22 राउंड में कितना वो करेगी, तो क्या करेंगे हम, 9275 को मल्टीप्लाई कर देंगे 22 से। 9275 मल्टीप्लाई 22, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई आप करेंगे खुद से। थैंक यू।